कोरोना वायरस लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है और अब इसके नए वेरिएंट्स का पता चला है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट्स अब म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस या AY.A में तब्दील हो चुका है, जो कि वैज्ञानिकों के लिए एक नई चुनौती है। इसी डेल्टा वेरिएंट्स से डर के दुनिया के कई मुल्कों में पाबंदियों को फिर से लागू करने की नौबत आ गई है। यही नहीं, भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर सबसे ज्यादा घातक साबित हुई है। डेल्टा से आई दूसरी लहर, राहत की बात यह है कि भारत में अभी इसे लेकर चिंतित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देश में अब भी इसके बेहद कम मामले हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट्स वायरस के डेल्टा या B1.617.2 के म्यूटेट होने से बना है, जिसकी पहचान पहली बार भारत में हुई थी। यही वेरिएंट्स महामारी की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार था। हालांकि वायरस के नए वेरिएंट्स के कारण बीमारी कितनी घातक हो सकती है, इसका अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। डेल्टा प्लस उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल उपचार का रोधी है, जिसे हाल ही में भारत में मंजूरी मिली है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई तमाम खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रही हमारी चैनल के साथ।